ने 328 स्वरूप है, वो 328 नहीं 328 तो ही बढ़ के बहुत ज़्यादा स्वरूप हो रहा है। जिहड़ी वो जांच हुई है वो जांच 1000 पन्ने की है, जदों के इन्होंने नसर सिर्फ 10 पन्ने करे है, सिर्फ 10 पन्ने करे है। जिहड़ी बगराड़ी कांड की जांच हुई है वो सारी विधानसभा दे विच पेश की गई है। ऐसे तरह ही असी चाहते हैं कि वो 1000 पन्नों की जिहड़ी जांच है पहले तो वह सारी नसर की जाए। जदों 1000 पन्नों की जिहड़ी जिस दिन रिपोर्ट जनतक करी है भी असी 10 पन्नों की आ रिपोर्ट जांच जिहड़ी जनतक कर रहे हैं प्रेस नूं करके, तो उन्होंने 30 बंदे दोषी करार दिए सी। तो उन्होंने यह भी कहा कि असी 30 बंदों के उत्ते असी FIR दर्ज करावे। फिर FIR दर्ज क्यों नहीं कराई? फिर FIR दर्ज क्यों नहीं कराई? जदों तुसी उन्हां ते FIR दर्ज ही नहीं कराई तो फिर असी किवें मन लईए कि वह जिहड़े हैगे दोषियों नूं सज़ा मिल गई? कि जिहड़े 328 स्वरूप ये कहिंदे है, असी नहीं कहिंदे, असी कहिंदे 561। जे 328 स्वरूप साढ़े वो गुरु साहिबान के स्वरूप कित्थे ने? सत श्री अकाल जी, तुसी वेख रहे हो विजन पंजाब TV। इस समय असी बठिंडा दे सिंह सभा गुरुद्वारे विखे मौजूद हाँ, जिथे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस विच जो 328 स्वरूपां दी बेअदबी की गई है उस बारे मीटिंग रखी गई है, जो कल तक श्री दमदमा साहब तलवंडी साबो विखे होनी है। साढ़े नाल इस समय परमिंदर सिंह बालियांवाली मौजूद हैं, जो दसदे है जो जिन्हां उन्हां तों पुछदे हैं कि यह जिहड़ी जांच है वह किस तरह लैंदे हन, ते जांच है उस जांच तो संतुष्ट है या नहीं हन। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, की कहना तुहाडा जिहड़ी जांच? जिहड़े पहली गल तां जिहड़े 328 स्वरूप है वो 328 नहीं 328 तो ही वध के बहुत ज़्यादा स्वरूप हो रहा है, बेअदबी बहुत ज़्यादा, यानी जिहदे च 500 तो 561 के करीब तां यानी साडे कोल गिणती आ चुकी है। दूसरी गल जिहड़ी असी संतुष्टि की गल करदे हो भी कि तुसीं संतुष्ट हो भी जिहड़ी जांच है, पहली गल जिहड़ी वह जांच हुई है वह जांच 1000 पन्ने की है, जदों के इन्होंने नसर सिर्फ 10 पन्ने करे है। असी चाहते हैं जिस तरह बगराड़ी कांड की जिहड़ी बगराड़ी कांड की जांच हुई है वह सारी विधानसभा दे विच पेश की गई है, ऐसे तरह ही असी चाहते हैं कि वह 1000 पन्नों की जिहड़ी जांच है पहले तो वह सारी नसर की जाए। दूसरी गल जिहड़ी वो ये कहिंदे आ कि भी असी सज़ा है जिहड़ी उन्हां नूं धार्मिक सज़ा ला दित्ती है। पहली गल तां असी पुछदे हैं कि धार्मिक सज़ा लाई है, जदों के श्रोमणी कमेटी ने जदों 1000 पन्नों की जिहड़ी जिस दिन रिपोर्ट जनतक करी है भी असी 10 पन्नों की आ रिपोर्ट जांच जिहड़ी जनतक कर रहे हैं प्रेस नूं करके, तो उन्होंने 30 बंदे दोषी करार दित्ते सी। तो उन्होंने यह भी कहा कि असी 30 बंदों के उत्ते असी FIR दर्ज करावे। फिर FIR दर्ज क्यों नहीं कराई? FIR दर्ज तो कराई नहीं, जदों तुसी उन्हां ते FIR दर्ज ही नहीं कराई तो फिर असी किवें मन लईए कि वह जिहड़े हैगे दोषियों नूं सज़ा मिल गई? जे FIR उन्हां ते जांच होऊ तां फिर सानू दुध दा दुध पानी दा पानी पता लगू कि जिहड़े 328 स्वरूप ये कहिंदे है, असी नहीं कहिंदे, असी कहिंदे 561। जे 328 स्वरूप साढ़े वो गुरु साहिबान के स्वरूप कित्थे ने? ये तो साडा जिहड़ा इन्हां दा जथेदार है अकाल तख्त दा, वह कहिंदा मैं सज़ा लाती, पर असी उन्हूं यह पुछना चाहुंदे सज़ा तो तू लाती पर जिहड़े 328 स्वरूप आ साडे गुरु साहिब दे वह कित्थे सशोभित ने, वह किहड़े RSS नूं दित्ते है जां किसे सरसे वाले नूं पनेहरे वाले नूं, किहनूं किहड़े गुर किहड़े डेरेदार नूं देते? कल नूं वह डेरेदार उही गुरु साहिबानां दे स्वरूपां दी बेअदबी कर सकदा है। जे बेअदबी करूँ तो फिर पंजाब दे विच राजकीता फैलू, फिर इहदा मतलब इहदा दोषी कौन होया? श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते जथेदार। तो असी इस करके इस जांच तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। ये जांच है जिहड़ी ये एक खाना पूर्ति है, ये जिहड़ा है सिख इस गल नूं सारी सिख कौम समझदी है कि ये जिहड़ी जांच है ये जांच निरपक्ष नहीं हुई, तो ना ही वह 1000 पन्नों की जिहड़ी रिपोर्ट है वह जनतक की है, ना ही जिहड़े क्योंकि इन्होंने, मैं एक गल कर जावां, जदों इन्हां ने कहा ना वो 30 बंदियां नूं भी असी सोडे ते जिहड़ा FIR दर्ज कराउणे है, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ
जोड़े साफ कर दी जिहड़ी कि असी सेवा करते हैं आम गुरु घरां दे विच ओह एक निगुणी जी सज़ा जिहड़ी आ उहनां नूं लाई है जिहड़ी कि ओह दोषी बहुत वड्डे आ जिन्हां ने गुरु साहब दे सरूप गुम कीते आ ना तां गुरु साहब दे सरूप मिले अज तक ते ना ही दोषियां नूं जिहड़ा है उहनां ते फौजदारी परचे होए आ। तुहानूं इदां क्यों लगदा जिहड़ी जांच है इह सही नहीं कीती गई ते उहनां नूं सज़ा किस चीज़ दी लाउण नूं कहा सीगा? इन्हां ने कहा सी कि भी असीं उहनां ते फौजदारी परचे दर्ज करावांगे, मतलब कि पुलिस दे विच परचे FIR असीं खुद जा के मतलब SSP उत्थों दे पुलिस नूं अमृतसर जी नूं असीं पंज बंदे मैं खुद सैन करके आया असीं उन्हां नूं कहा सी भी इन्हां ते FIR दर्ज की जाए पर श्रोमणी कमेटी उन्हां ते FIR दर्ज कराउण नूं तैयार नहीं क्योंकि जो FIR दर्ज कराउंदी है तो वह कहिंदे कि भी असीं तुहाडे जिहड़े आ उह नसर कर देंगे भी तुसीं सानूं कित्थे कित्थे सरूप भेजे है, मतलब असीं ये कहने हैं कि जिहड़े सरूप है वह श्रोमणी कमेटी के प्रधान ते बादल दे कहण ते वह सरूप गलत हत्थां दे विच गए है जिहदा किसी वेले भी कौम नूं बहुत वड्डा नुकसान झलना पै सकदा है। तुहानूं लगदा जिवें कि बादल परिवार ते पहला भी आरोप लगते रहे हैं कि इन्हों वालों बेअदबी करवाई गई है कि उस रूप कितने ना कितने उत्थे इस्तेमाल हो? हाँ जी, वो दसता जिहड़ा उत्थों दा ड्राइवर है वो गड्डी दा जिहड़ा मतलब सरूप लेके जांदा सी वो कहिंदा मेरे कोल तां उपरों स्लिप आउंदी सी, हुण उपरों स्लिप दसण भी उपरों लौंगोवाल तों आउंदी सी ते लौंगोवाल कहिंदा जी साडी भी उपरों आउंदी, फिर लौंगोवाल तों उपर तां बादल के ही है, फिर इहदा मतलब बादल की स्लिप आउंदी सी फलाने थां गुरदुआ जिहड़ा सरूप है फलाने थां भेज दिओ, फिर वो जिते सरूप भेजे है जिहड़ा वो ड्राइवर छड्ड के आउंदा सी गड्डी दा उहनूं पुलिस दे विच जाके मुद्दा पा लो, घंटे च दस दूगा भी कित्थे कित्थे सरूप दे के आए, किहड़े किहड़े डेरे च गए है, किहड़ियां किहड़ियां एजेंसियां दे हत्थां च महाराज दे सरूप गए। सानूं तां इह वी डर है कि वो सरूपां दे विच फेरबदल भी कीता जा सकदा बाणी दे विच। इह इन्ने चिरां तों सरूपां दे विच फेरबदल कीता जा रिहा सी, सरूप उत्थों जा रहे सीगे, फिर किसी कमेटी नूं क्यों नहीं उदों तक होश आया या उन्हां दी जाग क्यों हुण क्यों खुली है? ये तो जी जदों साडे कोले जथेबंदियां कोले विच्चों ही किसी सिंघां वल्लों जिहड़ी गल आई है, पर इहदा कारण मुख हैगा जिहड़ियां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां ना होणियां, क्योंकि वह एक मतलब उत्थे जिहड़ी एग्जैक्टिव कमेटी बैठी है वह तो होली छोली है, मतलब वोटां तां कदे पैणगियां ही नहीं। जे हुण आपां डिक्टेटरशिप अज्ज राज मैं कहां मैं राजा है जिवें अज्ज मोदी कर रहा इस तरह ही देश दे विच, ते वह डिक्टेटरशिप इस तरह श्रोमणी कमेटी च पिछले 10 साल तो इलैक्शन ना होण करके उत्थों दे जिहड़े उहदे SGPC दे जिहड़े बादल दल दे मैंबर है वह आपदे आप नूं डिक्टेटरशिप समझदे है, वह कहिंदे सानूं किहड़ा बदलना है, वह फिर मन मर्जियां करी जांदे आ, उहनां नूं गुरू का कोई भय नहीं रहा। जेकर नवें नुमाइंदे चुण के जाणगे नौजवान चुण के जाणगे उहनां नूं गुरू का भय होऊगा, फिर उहनां नूं पता होऊ भी साडे गुरू साहिबान कित्थे जा रहे आ, उह पड़ताल रखणगे आपदी। जांच नूं लै के लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि ये जांच दोबारा की जाए, तुसी गल की 1000 पन्नियां की नहीं बल्कि 10 पन्ने ही जनतक किए गए ने, 1000 पन्ने किस तरह जनतक होणगे, तुसी उहदे बारे की कर रहे हो? असी चाहुंदे आ भी उहदा एक मतलब जिस तरह बाइबल कला जिहड़ा कांड दा जिहड़ा पार्लीमेंट दे विच उहनां ने एक पैफलेट छपा के पूरे दा पूरा वंडिया सी उस जांच दा, इसे तरह उस 1000 पन्ने दा पूरा जिहड़ा कौड़ा सच है वह एक किताबचा छप छाप के वह जिहड़ा है सिख संगत के सामने सिख संगत नूं देना चाहिए श्रोमणी कमेटी नूं भी आह जांच हुई है ते आह बंदे दोषी है। जिवें कि तुहाडे कहण दा मतलब बादल सरकार बारे तुसीं कह रहे हो, बादलों बारे कह रहे हो, फिर वह किदां जतक करनगे, किदां वह परचे छपवाणगे जे नहीं नहीं करवाणगे? तो असीं जिस तरह बाइबल कलां दा असीं लिया गया न्याय असीं इहदा भी न्याय लवांगे, इहदा असीं न्याय इहनां नूं छड्डांगे नहीं, असी पहला लाणत पाई है जदों जिदे एग्जैक्टिव कमेटी की मीटिंग सी श्रोमणी कमेटी की अमृतसर, हुण असी उहनां नूं लाणत पावांगे, इस तू बाद असी प्रोग्राम लीकांगे उहनां दे घर घर जाके वो लोग सिख कौम उहनां दे बारां च बैठ जूगी, उहनां नूं अस्तीफे दे के भजना पऊ जां फिर इहदी जांच पुलिस तों करवाउणी पऊगी। CBI की जांच की मंग नहीं जी, नहीं असीं CBI दी नहीं, असीं किसी चंगे पुलिस अफसर तो जांच मंगते हैं। हाँ जी, हुण जी अब प्रैस कॉन्फ्रेंस की है, तुसीं इहदे विच गल आखी है कि कल जिहड़ी बेअदबी सरूपां नूं लैके हुई है 328 सरूपां नूं, कल तुसीं तलवंडी साहब विक तख्त श्री दमदमा विच की एक्शन कर रहे? असीं यही असीं कर रहे ना, असीं सिख कौम नूं अवेयर कर रहे हैं कि बगराड़ी दे विच तां इक सरूप दा मसला सी, इत्थे इहनां दे कहण मुताबक ही 328 सरूप है, तो यदा मतलब 328 सरूपां की थां फुर थां कल नूं बेअरबी करिया करनगे, असी उत्थे जाके संगतां नूं तख्त साहब ते संबोधन होवांगे
कि भाई इन्हां लोकां ने जिहड़े आ श्रोमणी कमेटी ते काबज बैठे इन्हां ने 328 सरूप पता नहीं कित्थे भेजे आ, जिन्हां दी उह सानूं नहीं पता भी साडे जिहड़े गुरु साहिब दे सरूप है उहनां दा आदब सत्कार उत्थे हो रिहा है जां उहनां दी बेअदबी हो रही है। इस करके जिन्ना चिर यह जनतक नहीं करनगे, जिस तरह हुण जानी किसान जिहड़े हैगे आ मतलब जिहड़ी सरक आप दी एजिटेशन करके वो जिहड़ी मौजूदा बीजेपी वालों के मगर पै रहे आ देश दे विच, जदों ये थोड़ा जिहा मतलब साडा मसला हल हो गया किसानी वाला, असीं भी किसान है, जदों साडा ये मसला हल हो गया तो असीं उद्दे नूं अवेयर कर रहे हैं सिखां नूं कि वो उदू बाद इन्हां नूं भी पिंडा च नहीं वड़न देणगे भी आ साडे सरूप दसो कित्थे आ। 328 ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਥੇ 85 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 80 ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਵੱਧ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹ 80 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 85 ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਉਹ 85 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਸਰੂਪ 85 ਸੀ, ਜੇ 5 ਸਰੂਪ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-50 ਸਰੂਪ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗਈਆਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ 85 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ 80 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, 121 ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛਪੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਰਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਦਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰੈਣੂ ਮੰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਤੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ? ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਫਿਰ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ 1000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਿਆ। ਏ ਸੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵਾਲਿਆਵਾਲੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਰ ਰਿਕੋਰਡਿੰਗ, ਹਰ ਉਹ ਤੱਥ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜੋ 110 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 1000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਕ ਸਿਰਫ 10 ਹੀ ਪੰਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ
अपने धरने प्रदर्शन जारी रखेंगे। लौंगोवाल की कोठी मूहरे भी प्रदर्शन करेंगे। जदों तक यह जांच सही सामने नहीं आती उदों तक इन्हों का प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं राकेश शर्मा, विजन पंजाब टीवी, बठिंडा।